हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम रहमान अनवर और मैं हूं और मैं हूं जाफर इकबाल, और देखने जा रहे हैं सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। ओ देख लीजिए, एक और मारेंगे। ये कैसा तू साहस है? कौन है तू? तू कौन है? हम यहाँ के रखवाले हैं। तू नहीं जानता ये लंका के महाराजा रावण की विशेष बगिया है? तू नहीं जानता मैं अयोध्या के महाराजा श्री रामचंद्र का विशेष सेवक हूँ? कौन सी अयोध्या, कहाँ के राम? पहले तू बता क्या है तेरा नाम? हनुमान। ये तो बड़ा झूठ बंदर खाने तो यार खाने भी नहीं दे रहे। पानी में फेंक। नहीं ये सही है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं दिखाई पड़ता। चलो नायक जी जम्बू माली से कहे। नायक जी सीता माता का पता तो पा लिया, अब इन असुरों के बुद्धि बल की थाप भी मिल जाएगी। मेरा आना सफल हो गया। माता तो मेरे साथ चलेंगी नहीं, पर श्री राम प्रभु को जाकर लंका का सारा भेद तो बता दूंगा। सेना नायक जी एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए और वृक्षों को उखाड़ दिया है, और रखवालों को मसल मसल कर उसने धरती पर डाल दिया है। हाँ सेना नायक जी, वो बंदर नहीं, काल है, काल धिक्कार है। कायरो, बंदर ने तुम्हारे सामने सारी वाटिका उजाड़ डाली और तुम दबा कर यहाँ भागाए, बच्चा से डूब मरो। आप चलिए ना, चलते हैं और उसे पकड़कर कठोर दंड देते हैं। खींचो हंस रहे आ गया। आप इसको महसूस होना है। आप वही और हो रस्सी है। राम जी यद्यपि सर्व समर, ये नहीं हिल रहा। कपि तथापि जाचन चले। ओ सेना नायक देखो
आप पीछे भाग रहे थे। आ जाओ भैया। यार ये बंदा है वो निकल रहा है आस्ता आस्ता। वो सही भागे। राम श्री राम आएगा। किसने भरमा दिया, किसने सुना दिया उस जंगली का नाम तुझे? उसी बंदर ने महाराज। आप क्या बात कर रहे हैं नायक जम्बू माली? राजकुमार अक्ष कुमार, अशोक वाटिका में एक ऐसा विराट विचित्र वानर घुसाया है जिसने सारी वाटिका उजाड़ डाली। वो पेड़ ऐसे तोड़ता है जैसे कोमल फूलों की डाली। वाटिका उजाड़ डाली? तो आपके पहरेदार वहां क्या कर रहे थे? और फिर इतनी सी बात के लिए आप महाराज का समय नष्ट कर रहे हैं। आप स्वयं जाकर उसे दंड क्यों नहीं देते? वही करने तो गए थे, परंतु उस वानर ने उल्टा यह वाटिका से भगा दिया। महाराज मैं वहां रहता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ कि वो कोई साधारण वानर नहीं है, और ऐसा लगता है कि वो किसी गुप्त कार्य से यहाँ आया है। उसके पास कोई दैवी शक्ति है, जो उसके सामने जाएगा वो उसे जीता नहीं छोड़ेगा। उसे किसी छल से पकड़ना चाहिए। आप कायरों जैसी बातें कर रहे हैं। एक वानर लंका में घुस आया है और लंका में आप जैसे महाभट डर के मारे कांपते हुए राजघर में घूम रहे हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। पिताश्री आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी उस वानर को तुम से आपके सामने लाता हूँ। क्या हो जी? परंतु उस वानर को साधारण समझकर असावधानी न बरतना। वानर जाति में भी बड़े बड़े महाबली योद्धा हुए और रणनीति भी यही कहती है, शत्रु चाहे छोटा हो या बड़ा, परंतु जब भी रणभूमि में जाओ अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण करो, जिससे पहले ही हल्ले में शत्रु ठंडा हो जाए। और याद रखो, शत्रु पर दया कभी मत करो। जाओ। चलो। लंका के लोग कैसे भी हो, पर फल फूल बड़े स्वादिष्ट होते हैं। आनंद आ गया आनंद, खाए भी इतने कि प्रभु श्री राम के पास जाने तक भूख नहीं लगी। कई दिन की सुधा शांत हो गई। hmm?
सोचा था हनुमान, थोड़ा विश्राम कर, खाया पिया बचा कर विश्राम कर, पर प्रभु श्री राम के काम में विश्राम कर। तो ये है वो निराला बंदर, जय श्री राम। तूने हमारी पगिया उजाड़ डाली, हमारे सैनिकों को मार डाला। मैं मारने वाला कौन, पगिया उजाड़ने वाला कौन? जो फूल खिलता है फल बनता है, डाली से टूट कर गिरता है। बंदर की जान और इतनी बड़ी बात, और सोच वानर, तुम्हारा जीवन की डाल से टूटकर मौत के मुंह में जाने का समय आ गया है। सुस्वागतम। आप भी अपने मन की अभिलाषा पूरी कर ले श्रीमान। सैनिकों पकड़ कर बांध लो इसे। पहले भी यार पूरा अदरक। अरे बहुत यार, एक ना ज़्यादा इनको तोहेंगे हनुमान जी, क्योंकि पहले आकर उन्होंने जो फल है ना वो चखे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यार एक मज़े के उनको लगे, और सुकून से खाने भी नहीं दे रहे थे। पहले जो दो गए थे ना उनको बुलाने के लिए, जो बुला कर लाए थे अपना सेनापति को, वो तो बहुत एक भाई ऐसे आया था जैसे हर चीज़ को ख़त्म कर देगा, लेकिन जब हनुमान जी ने उनको घुमाया ना पानी में, दरख्तों से मारा है, तब से वो बेचारे जो है ना ऐसे भागे हैं ना, बुरा हाल हो गया उनका। लेकिन अब यही है कि भाई एक फिर से आए हैं तो इनको भी एक धोएंगे अच्छे से। नहीं बाकी ना एक बहुत इजी ले रहे हैं, अब रावण के पास गए तो भाई वो भी काफ़ी ना एक इजी ले रहा था इस चीज़ को, लेकिन एक उसको मतलब कि आगे थोड़ा सा आप जाकर पता चलेगा कि ये उसके लिए एक मतलब कि हनुमान जी कितना बड़ा खतरा बनकर आए हैं। लेकिन अभी इनके साथ तो भाई एक किस्म का हनुमान जी खेल ही रहे हैं, जितने भी आते हैं उनको निपटा देते हैं, चाहे जितने भी मतलब कि एक इकट्ठे होकर आए हैं, लेकिन वो बेचारी जो इनका पार्क वगैरह ना उसकी खैर नहीं है। वाटिका बिल्कुल भाई, उसके जो सारे दरख्त है ना वो उखाड़ उखाड़ के उनके ऊपर फेंक रहे, जो सेना ने एक नायक आया था ना उसके साथ सही हुई है उसके ऊपर, लेकिन ये कि उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को निकाला है। फिर दौड़ के क्या आया कि वो अक्षय सामने बैठा हुआ था, उसने कहा जाओ ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, खुद ही हैंडल करो, आप इतने छोटे से मसले के लिए हमारे पास आ गए। लेकिन अब वो खुद आया है और अब उसको थोड़ा एहसास होगा कि ये कितना बड़ा उनके लिए मसला जो है ना वो पैदा होने जा रहा है। बाकी भाई देखते हैं, लेकिन मज़ा फूला पाया है बिल्कुल। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक।